जा रहे हैं दूसरी बस लाइब्रेरी और बस और हम जा रहे हैं और हम अब हम वहाँ पर पहुँच कर ही बात करते हैं। और देखिए माउंटेन्स हैं यहाँ पर, साइड में माउंटेन बड़े बड़े, देखो सब माउंटेन्स हैं। उदयपुर में हम जिस जगह रुके हैं वहाँ पर से इतने बड़े माउंटेन्स के पास हैं, तो यहाँ पर भी सर्दी काफ़ी है। काऊ नहीं दिखाई दे रही है इसको। ये देखिए माउंटेन्स यहाँ से दिखाई देंगे, ये माउंटेन है यहाँ से। और हाँ वाव देखो ये, हम अब जा रहे हैं चित्रकूट। जी आराम से आराम फरमा रहे हैं, आओ आ जाओ। इन्हें कभी अकेले बैठना होता है, कभी ये साथ बैठते हैं। पीपी बस बच गई पीपी। हम बैठ गए हैं नहीं ना, नखरे हो गए इसके, अंधेरा आ रहा है यहाँ तो। हाँ अंधेरा आ रहा है, लाइट पीछे है ना। तो तुम्हें बैठकर यहाँ सारे हुक्म चल रहे हैं तुम्हारे। मैम इधर देखना, हाय स्माइल कर दे, कट्टो हंस के दिखा, हश जबरदस्ती हंसा रहे हो। आज हम वापस जा रहे हैं, हमारा काम हो गया है यहाँ का। और कोटा नहीं जा रहे हैं अभी, कोटा के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सर्दी हो रही है, तो थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही है, तो इसलिए अब सभी देखेंगे कोटा की। अब घर जाएंगे, ये मेरा टाइगर है, टाइगर मेरा टाइगर है, ये मेरा टाइगर है, टाइगर टाइगर मम्मा का टाइगर का है, करके दिखाओ। और ये मस्ती मार रहा है यहाँ पे, मस्ती मार रहा है। टाइगर है ये मेरा, मस्ती मार रहा टाइगर, करके देखो कैसे कर रहा है। हम दोनों मस्ती मार रहे हैं। टाइगर कम दिस साइड, ऐसे मस्ती मार रहा है। यस 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 यस, ये इसने मेरा बहुत साथ दिया है। आ रहा ये नीचे देखे, हाँ चार लिए, एक एक यहाँ की दो, सबसे पास ये यही आ रहा है। हाँ देख रहे थे, ये आमला तोड़ रहे हैं। ये थोड़ा इसमें डालो और चलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, देखो
सुनो कितने सारे आंवले डाल इसमें, देखो ये और एक और है ऊपर, हाँ देखो ये यही वाला कबो कबो गन्ना। दीदी आ गई। अरे मैम ये है इसकी दीदी जो इसको यहाँ पे घुमाती है। देखो इधर देखो, दीदी का नाम पूछो। दीदी आपका नाम क्या है पूछो। नहीं आज ये मूड में ये बदल गया। अच्छा दीदी से पूछ लेते हैं, दीदी आपका क्या नाम है। लक्ष्मी। लक्ष्मी यही हमें खाना वाना खिलाती है यहाँ पर, खाना बहुत टेस्टी बनाती है। थैंक यू। चलो आंवले तोड़ते। ये तोड़ो। चलो तोड़ो। ये मेरे गुड, मेरे को दो और तोड़ो। ये वाला तोड़ो, ये वाला तोड़ो, पकड़ो ये एक और ऊपर, हाथ पहुंचेगा मोटे बड़े आंवले ये। हाँ ये कौन पकड़ेगा, पत्थर भी लगता है, पत्ते बेल पत्थर के इसके बेल पत्थर नो दो मम्मा को दो भाई, तो छोटे छोटे हैं यहाँ पर। हाँ हम दिखाते हैं अब, ये है यहाँ इनका जहाँ पर हम रुके थे रेजिडेंस, यहाँ पर हम रुके हैं। इधर ये स्टूडियो है और ये है रेजिडेंस। अब हम देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ग्राफिक आर्टिस्ट हैं आकाश सर, ये कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अच्छा इन पत्थरों में होता है स्टोन्स, तो मतलब वो तो बस वो है कि कोइंसिडेंटली मिल जाए। उससे स्टडी किया है कि कैसा पत्थर हो जिसमें क्रिस्टल निकल सकता है। ऐसे जैसे ही दिख रहा है। मुझे भी नॉलेज नहीं है। अच्छा। मिला कुछ? ये तो अब्रक वाला है माना, इसमें ना अब्रक थोड़ा-थोड़ा निकलते जाएंगे जब पूरा पूरे में वो है उसमें अब्रक। अब्रक वो होता है जो शाइनिंग वाला होता है ना? हाँ, जो उसके अंदर लगता है ना, प्रेस के अंदर भी होता है। अच्छा अच्छा हाँ 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 होता है। शाइनी, बहुत शाइनी। गरम हो जाता है ये ना, अलग ही स्टोन है। इधर आ, इसको तोड़ ले पूरा। इधर आ, आओ इधर। वीडियो का ये पीछे का पार्ट है जो मैंने दिखाया हुआ था, आगे का ये पीछे से ऐसे दिखाई देता है स्टूडियो, और काफी बड़ा है। उधर भी है बिल्डिंग। ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर रहते हैं, घर है। फोटो चलो इधर देखो, बेटा इधर देखो। हाँ। ये फाउंटेन है ना माना? हाँ। चलता नहीं है? चलता नहीं है? ओके आराम से
स्टूडियो, ये है ग्राफिक स्टूडियो। मुकुंज यहाँ अंदर ग्राफिक स्टूडियो है ये, यहाँ पे ग्राफिक का वर्क किया जाता है। वो जो हम कल गए थे वो दूसरा स्टूडियो था, यहाँ पर ये ग्राफिक स्टूडियो है। हम इसकी लाइब्रेरी हमने देखा है, देखिए ये ग्राफिक का वर्क है, यहाँ पर ये सब ग्राफिटो और यहाँ पर ये वर्क किया जाता है, ये टूल्स हैं सब। ये देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर पेंटिंग है, ये पत्थरों को काट के अंदर से बनाया हुआ स्टूडियो है। यहाँ कुछ डिजाइन आप देख सकते हैं, दिखाते हैं यहाँ की लाइब्रेरी। ये है लाइब्रेरी का गेट, ये गेट भी इन्होंने, ये कलर्स है। ये अंधेरा, इसमें लाइट है, लाइट जलानी पड़ेगी यहाँ से, लाइट नहीं पता। ये लाइब्रेरी है, इसमें हम यहाँ की लाइब्रेरी, देखिए अंधेरा है, लाइट का स्विच बाहर से है। तो हम हमारे इसके दूसरे गेट पे, ये दूसरे गेट से निकल जाते हैं। ये ऊपर एक और स्टूडियो है जिसमें परमान चंद सर वर्क करते थे, वो एक्चुअली ऊपर जो है वो बंद है और रिनोवेट हो रहा है, तो इस वजह से ऊपर नहीं जा सकते। और ये तो पीछे हमारे ये है मौसमी, अगर आप देखेंगे तो मौसमी है ऊपर ध्यान से। और ये इनका गार्डन है, उधर स्विमिंग पूल भी है। और हम चल रहे हैं अब अंदर, ये पीछे से अंदर एंट्री होती है। ये कुछ रखा हुआ है, ये देखो इनसाइड है, इस रास्ते से निकले हैं। ये बहुत बेसिक मोतियों से बना है स्टैचू, बहुत एक एक मोती को कैसे लगाया हुआ है, तार पे है ये मोती पड़े हुए हैं, नीचे से शेडो भी है। पॉन्ड भी है, ये देखो कमल का फ्लावर, ये कमल के पत्ते हैं, ये कली है कमल की, देखते हैं इसे, देखते हैं। कैसी वाव, देखो हम बैठ गए हैं अब अपने उदयपुर से वापसी के लिए, और हम इस बार बैठे हैं विकास ट्रेवल में, देखते हैं ये कैसी बस है। और ये हम मेरा बेबी, हेलो बोल दो, हेलो हेलो। हाँ, और अब मॉर्निंग में सुबह को देखते हैं, अच्छी जर्नी है। और ये हमें मिली है भुवाना सर्कल से बस, हम पहुंच गए हैं आधे रास्ते पे और हम गए हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ ठंड बहुत है, तो मैंने इसको चादर वाला स्वेटर पहना दिया है अपना। और टाइगर मेरा कैसे करता है, ऐसे करता टाइगर, टाइगर करके दिखाता है, करता
ये कैप नहीं पहनता है, इसको कैप पहनने में इतना इलेक्ट्रिक लगता है, कैप पहनने में इतनी प्रॉब्लम आती है इसको, इसको इतनी प्रॉब्लम आती है कैप पहनने में, है इसको लगता है बस कैप उतार दो, ऐसा होता है कोई। ये माशी जी, मैंने अपना स्वेटर बनाया हुआ है इसको। हेलो 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 हेलो, अब बाबू बोलो कैप उतार लो बस, कैप उतार, कैप उतारो, उतार दो, उतार दो बस, हैप्पी हैप्पी पानी। अब हम आ चुके हैं वापस अपने घर और सफ़र बहुत अच्छा रहा और वर्क भी ऑलमोस्ट हो गया है उदयपुर का कंप्लीट। अब जब जाएंगे तो घूमने के पर्पज से जाएंगे। उदयपुर बहुत सुंदर शहर है, बस थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज थी इसलिए नहीं देखा, बस काम अपना फिनिश करके वापसी हो गई। और अब की बार जाना होगा तो डेफिनेटली उसको घूमने के पर्पज से जाऊँगी और घूम के आएंगे। जयपुर तो देखा हुआ है लेकिन उदयपुर नहीं देखा, उदयपुर बस काम के सिलसिले से जाना होता है। तो अब की बार प्लान करके जाएंगे कि उदयपुर घूमना है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलो और आते हुए हमने वोल्वो बस की थी, उसमें अच्छी थी, विकास ट्रेवल है वो भी बहुत अच्छा है, रेड बस से हम बुक कर सकते हैं उसको और 1600 उसका चार्ज होता है, 1 seat स्लीपर और लोअर बर्थ का। ठीक था, सब अच्छा था।